सादर प्रणाम। आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। हम सेकंड पेपर की तैयारी के संदर्भ में वीडियोस लेकर आ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था संख्या पद्धति से संबंधित, उसी वीडियो के क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आज लगभग संख्या पद्धति से संबंधित जितने प्रश्न थे वो लास्ट के दो वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके। तो आज के वीडियो में हम नए सवाल लेकर आए हैं और सवाल लेकर आए हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस के, यानी कि लाभ और हानि के। प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर में आएंगे ही, और ये वाले जो सवाल है इस तरीके के सवाल को हल करने से पहले अब फिर वही बात कहेंगे, जिनका मैथमेटिकल पोर्शन रहा है, जिनकी मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में रहा है, उनके लिए ये बिल्कुल उंगलियों पे कर लेने वाले सवाल हुए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कंपटीशन में ऐसे हैं जिनका मैथ्स सब्जेक्ट नहीं रहा है, तो उनके लिए कुछ वही सामान्य सी विधियां लेकर आए हैं जो व्यावहारिक विधियां हैं, जिन्हें आप सीख भी आराम से सकते हैं। और प्रयास यही है कि सरल शब्दों में और उसे पूरा डिटेल करके जो भी हम टॉपिक लेके आ रहे हैं बेसिक से लेके आ रहे हैं, ताकि अगर कोई पहली बार भी देख रहा है तो उसे समझ आ जाए। तो बात शुरू करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चंस हैं उनमें किस तरीके के प्रश्न आएंगे और क्या क्या उनसे संबंधित पूछा जाता है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो लाभ और हानि से संबंधित प्रश्नों में पूछी जाती है। क्या क्या पूछा जाता है? सबसे पहली बात, लाभ ज्ञात करना है। हमें कुछ चीज दी होगी और उसके विषय में हमें बताना होगा कि लाभ हुआ या हानि हुई। मतलब जो जो क्वेश्चन आते हैं, जो जो पूछा जाएगा, पहले उन्हें लिख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन में पूछा जाता है। सबसे पहली बात, लाभ ज्ञात करना है। लाभ हुआ तो कितना हुआ? अगर लाभ हुआ है तो लाभ कितना हुआ, यानी कि कितना लाभ। ठीक, लाभ से संबंधित ये बातें हुई। अब सेम चीज यहीं पे, अगर लाभ नहीं हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? हानि हुई। ठीक है ना, या तो लाभ होगा वस्तु में या वस्तु में क्या होगी? हानि होगी। अगर लाभ नहीं हुआ है इसका मतलब हुआ कि हानि हुई। हानि हुई तो कितनी हुई, कितनी हानि हुई है? कोई वस्तु की परचेजिंग हुई है, उसको खरीदा गया है, बेचा गया है, लाभ होगा या हानि होगी? कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी? और वस्तु का क्रय मूल्य खरीदा गया है तो वो कितना है, यानी कि क्या बताना होगा कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है वस्तु को कितने मूल्य पर बेचा गया, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य वो होगा जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, और विक्रय मूल्य वो होता है जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। तो प्रश्न ये भी हो सकता है कि कितना क्रय मूल्य है और कितना विक्रय मूल्य है। अगली बात इसमें पूछी जा सकती है कि अगर लाभ हुआ या हानि हुई तो लाभ कितने प्रतिशत हुआ और हानि कितने प्रतिशत हुई। कुछ भी पूछा जा सकता है। मीन्स जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ये वाली श्रृंखला के अंतर्गत जो हम सवाल देख रहे हैं उनमें क्या होंगे, इन छह बातों से ही संबंधित, सात बातों से ही संबंधित हमसे प्रश्न पूछा जाएगा। लाभ या हानि, कितना लाभ कितनी हानि, कितना क्रय मूल्य कितना विक्रय मूल्य, कितना लाभ प्रतिशत है और कितनी हानि प्रतिशत वहां हुई होगी, इन बातों से संबंधित प्रश्न यहाँ पर लिया जाएगा। अब बात करते हैं लाभ क्या होता है, पहले इन बिंदुओं को देख लेते हैं। देखिए जो क्रय मूल्य होता है, पहले लाभ की चलिए बात कर लेते हैं, लाभ लिखा है तो लाभ या हानि क्या होता है? मान लीजिए कोई वस्तु जितना रुपए में खरीदी जाती है, माना हमने कोई वस्तु कितने रुपए में खरीदी, 100 रुपए में हमने कोई वस्तु खरीद ली, ठीक है। 100 रुपए की वस्तु को जब हमने बेचा तो हमने कितने रुपए प्राप्त किए? मान लीजिए 105 रुपए हमने प्राप्त किए। लाभ कब होगा? जिस मूल्य पर वस्तु ली जाएगी और जिस मूल्य पर वस्तु दी जाएगी, बेची जाएगी, यदि उसका अंतर धन में आता है तो इसका मतलब क्या होता है, वस्तु पर लाभ हुआ। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, 100 रुपए की वस्तु को खरीदा गया और 105 रुपए में बेचा गया, तो कितने रुपए का लाभ हुआ?
राशि कितने धन में आई, 5 के धन में आई, इसका मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पर लाभ हुआ। सपोज सेम चीज यहाँ पर अगर हम कहें कि हानि की बात करें, मान लीजिए 100 रूपए की कोई वस्तु है, एक वस्तु का मूल्य 100 रूपए है, लेकिन जब उसको बेचा गया तो बेचने पर उसका मूल्य हमें कितना मिला, 95 रूपए प्राप्त हुआ। तो हमें क्या हुआ, 100 रूपए में तो हमने खरीदा, लेकिन हमें जब हमने उसको बेचा तो हमें कम पैसे मिले, इसका मतलब हमें नुकसान हुआ। अगर साधारण सी भाषा में उसे समझे तो यहाँ पर जब राशि क्या जाएगी, माइनस में जाएगी, इसका मतलब उस वस्तु पर हमें हानि हुई। और जितनी राशि माइनस में जाएगी उतनी ही हमें उस पर क्या होती है, हानि होती है। हमें ज्ञात करना होगा क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। जान लेते हैं क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, ठीक है, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है वही होता है क्रय मूल्य। अब जो ऊपर उदाहरण हमने लिया इसमें क्रय मूल्य क्या है, हमने कहा कि वस्तु 100 रूपए में खरीदी और 105 रूपए में हमने बेच दी, दूसरी वस्तु भी हमने 100 रूपए में खरीदी थी और हमने 95 रूपए में वस्तु को बेच दिया। 100 रूपए में खरीदा तो क्रय मूल्य हमारा क्या है, 100 रूपया। क्रय मूल्य हमारा क्या है, 100 रूपया। दूसरा प्रश्न आता है कि विक्रय मूल्य क्या है, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है यानी कि सेलिंग प्राइस, वो क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। जिस मूल्य पर हमने वस्तु को बेच दिया वो क्या हो गया, विक्रय मूल्य। ऊपर वाला ये एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, 100 रूपए में वस्तु को खरीदा गया, इसका मतलब ये इसका क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ। 105 रूपए में वस्तु को बेचा गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाएगा वो इसका क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है, 105। अब सेम इसमें भी है, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है वही उसका विक्रय मूल्य होता है। तो दूसरे वाले उदाहरण में हमने लिया विक्रय मूल्य कितना है उसका, 95। अब क्या होगा, जो प्रतिशत में मात्रा निकालनी होगी, जैसे हमने कहा कि जो लाभ है या हानि है उसका प्रतिशत कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो पहले बात करते हैं लाभ प्रतिशत की, ठीक है, कि लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाएगा। जब हमें लाभ प्रतिशत निकालना होगा तो हमें सवाल में क्या दिया होगा, वस्तु का क्रय मूल्य दिया होगा। तो लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात किया जाएगा, जितना हमें लाभ हुआ हमने निकाल लिया, जैसे हमने कहा 5 रूपए लाभ हुआ, या वहां दिया जाएगा 5% के हिसाब से या 5 रूपए के लाभ से वहां पर बेचा गया, ठीक है। अब प्रतिशत में निकालना है तो ये, और जितना वस्तु का क्रय मूल्य होगा वो, ठीक है। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, लाभ का प्रतिशत निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर ऐसे नहीं करना है तो जो हमारा क्या आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने को कहा है, अगर सिर्फ हमें लाभ प्रतिशत ना देकर हमसे पूछा जाए लाभ कितना होगा, मान लीजिए वस्तु क्या है, 100 रूपए में खरीदी जाती है, 5% के लाभ से वो बेची जाती है, तो 5% का लाभ से जब वो वस्तु बेची जाती है, अब हमें प्रतिशत दिया होगा, हमें जो लाभ निकालना होगा वो किसमें निकालना होगा, रुपयों में निकालना होगा। तब हम क्या करेंगे, जब प्रतिशत में निकालना होगा तब हम करेंगे जो हमें लाभ दिया है गुणा जो वस्तु का क्रय मूल्य होगा उसे नीचे, और 100 को ऊपर लिखेंगे, क्योंकि 100 का मतलब क्या हुआ, प्रतिशत यहाँ पर निकाला जा रहा है, ठीक है। अब बात करें कि हमें लाभ ज्ञात करना है तो हमें यहाँ पर क्या दिया होगा, लिखना होगा जितना वस्तु का लाभ प्रतिशत होगा, मान लीजिए 5% लाभ दिया है तो लाभ प्रतिशत लिखा जाएगा। साथ ही यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, जो वस्तु का, ये जो भिन्न होगी ना ये उल्टा हो जाएगी, जो वस्तु का क्रय मूल्य होगा वो यहाँ लिखा जाएगा और बट्टे क्या आ जाएगा यहाँ पर, 100। ये तो हुई सूत्र की बात कि सूत्र के माध्यम से हम किस तरीके से हल करेंगे। सेम चीज अगर यहाँ पर हानि की हम कहें तो यहाँ पर लाभ की जगह हानि आ जाएगा और बाकी जहां जहां लाभ है वहां पर हानि आ जाएगा, तब हम हानि और हानि प्रतिशत निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ कि जो बेसिक चीजें हैं यहाँ पर उनसे संबंधित, कि हम किसको लाभ कहते हैं किसको हानि कहते हैं और किस तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पर सवाल को हल कर लेंगे।
अब देखिए क्या होता है, माना हमने एक सवाल ले लिया, ठीक है। अब सवाल की ओर बढ़ते हैं, छोटे छोटे सवालों से आगे बढ़ेंगे जिससे समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो कुछ सवाल लेते हैं, एक उसमें तो नहीं हो पाएगा ये कंप्लीट, क्योंकि जल्दी जल्दी करेंगे तो हो भी जाएगा, लेकिन जिस दृष्टि से बनाया जा रहा है इसका मतलब कि समझ में आ जाए। देखिए मान लीजिए कोई वस्तु है, सवाल लिखा है हमने, सवाल लिखा हुआ है कि एक वस्तु को 390 रुपए में बेचने पर यानी कि विक्रय करने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ हुआ। वस्तु का हमें क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। तो सवाल में क्या दिया है, एक वस्तु को 390 रुपए में बेचने पर, तो पूरा ना लिख के शॉर्ट में ही लिखते हैं, यानी कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना दिया गया है हमें, विक्रय मूल्य बराबर हमें दिया गया है 390 रुपए, ठीक है। सवाल में अगली बात ये कही है कि एक दुकानदार को इससे कितना लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत है, तो कितना लाभ हुआ उसे, लाभ हुआ 20%, ठीक है ना। क्या ज्ञात करना है, वस्तु का हमें निकालना है क्रय मूल्य, ठीक, हमें क्या ज्ञात करना है, वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमें नहीं पता है, इस क्रय मूल्य को हम यहाँ पर क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। देखिए अगर हम जनरल बात कहें, हल करने की विधि के माध्यम से कहें, तो क्या हो जाएगा, आप लाभ प्रतिशत वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, जो अभी हमने लिखा था, विक्रय मूल्य दिया है, हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत हमें प्राप्त है, विक्रय मूल्य प्राप्त है, और हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। देखिए लिख लेते हैं, मान लेते हैं, यूनिट में मान लेते हैं कि मान लिया हमने क्रय मूल्य कितना है, यूनिट से मानते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने मान लिया कि क्रय मूल्य उसका कितना है, 100 रुपया, कंफ्यूज मत होइएगा, 390 दिया है, हम 390 के हिसाब से ही निकालेंगे, लेकिन एक यूनिट मान लेते हैं और एक मानक के हिसाब से प्रश्न को हल करते हैं। दो विधियां बताएंगे और दूसरी विधि के माध्यम से ही मोस्टली क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे, ये जनरल एक मेथड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य मान लीजिए कितना दिया है यहाँ पर, 100 रुपया, लाभ कितना हुआ उसे, 20% का, ठीक है। लाभ का मतलब क्या होता है, राशि जुड़ गई है, जब 20% का उसे लाभ हुआ तब विक्रय मूल्य कितना हो गया, क्योंकि 20% के लाभ पर उसने बेची है, तो 100 रुपया मूल्य था और 20% के लाभ पर बेचा गया, तो टोटल कितना मूल्य हो गया, 120 रुपया, ठीक। अब 120 रुपया तो हो गया विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमने क्या मान लिया, 100 रुपया, तो दो राशियां हमें प्राप्त हो गई, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य एक्चुअल में हमें दिया क्या है सवाल में, 390 रुपया। अब क्या होगा, हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य, प्रश्न में सीधा सीधा निकालना था, क्योंकि यूनिट से तो क्वेश्चन हल नहीं होगा, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, क्रय मूल्य, कि वस्तु को कितने, जो वस्तु का जो क्रय है यानी कि किस पर वो वस्तु को खरीदा गया, बेचा तो 390 में और बेचा तो 20% लाभ के साथ ये वाली राशि है, ठीक है। हमें बताना है कि 20% जब कम हो जाता है रेट, तो वो मूल्य क्या था, यानी कि जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा गया था, तो जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा गया था, 100 हमने माना था, जो जितना उसको क्या हुआ, लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ उसे, 120। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था, 390। जब इसको आप हल करेंगे तो हल करने से 3 से चला जाएगा, 3 × 3 = 9, और ये क्या हो जाएगा, 3 × 4 = 12, और यहाँ आ गया, चलिए 2 से ही देते हैं, 2 × 5 = 10, और ये, और सॉरी सीधे यहाँ के आ गया 25, और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 13 का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, 325 रुपया, यानी कि वस्तु कितने मूल्य पर खरीदी गई थी, 325 रुपए के मूल्य पर खरीदी गई। अब देखिए एक सरल सी विधि के माध्यम से और देख लेते हैं, सरल सी विधि का माध्यम क्या है, मान लीजिए 2 अंक हमें इसमें निर्धारित कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ लिखते हैं जिससे कि कंपैरिजन आपका हो जाए। 2 अंक हमें निर्धारित करने होंगे, जैसे हमने कहा वस्तु कितने पे खरीदी, 100 रुपए में खरीदी, जब वस्तु पर 20% का लाभ हुआ तो वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 20% जब इस पर जुड़ गया
तो वस्तु का मूल्य कितना हो गया 120। ठीक है, अब क्या कहा गया था प्रश्न में, प्रश्न में था विक्रय मूल्य 390, लाभ 20% और क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना था। सो दो हो गया, यानी कि 100 रुपया और 120, 120 रुपए के साथ क्या की गई, बेची गई। अब जो हमें राशि प्राप्त करनी है, 100 पर कितनी भिन्न हमें, मतलब 100 पर कितना उसको, हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 100/120 आ वही जाएगा घूम फिर के, देखिए यहाँ भी आया 100/120, लेकिन ये थोड़ा सा सरल, क्योंकि जो उसका हमने क्रय मूल्य मान लिया और जो उसका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब कितने पे निकालना है, सीधे जो उसका विक्रय मूल्य दिया गया है उससे हमें इसको भाग कर देना है और हमारी राशि यही वाली प्राप्त हो गई। बार बार ये लिखने से हम बच गए और हम क्या हो गया, ये राशि हमें 325 रुपया यहाँ पर आंसर इसका प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके के कुछ सवाल होंगे। अगला एक सवाल देख लेते हैं और जिससे समझने में और थोड़ी सी सुविधा रहेगी। अगला सवाल लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा अलग सवाल लेते हैं। मान लीजिए एक वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है और वस्तु का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। सेम तरीके से हो जाएगा, एक सही सवाल है। अगला प्रश्न इसमें ले लेते हैं, हाँ ये सही है। एक प्रश्न हम इसमें ले लेते हैं कि मान लीजिए एक साइकिल को 20 प्रतिशत के लाभ से किसको बेचता है, बी को बेचता है। लाभ से इसने क्या किया, बी को बेचा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या बात दी गई है, बी उसी साइकिल को 25% के लाभ से, बी ने ये साइकिल कितने प्रतिशत के लाभ से, 25% के लाभ से किसको बेच दी, सी को बेच दी। ठीक है, अब सी ने क्या काम किया, सी साइकिल के लिए 225 रुपए देता है, यानी कि जब इसने ये साइकिल खरीदी थी बी से तो इसने उसके लिए कितना भुगतान किया, 225 रुपया। ठीक है, सी ने 225 रुपए का भुगतान किया, तो आ ने साइकिल कितने में खरीदी थी, तो हमें ये बताना है कि इसने साइकिल जो खरीदी थी वो कितने में खरीदी थी। देखिए पहली चीज, यहाँ जब वस्तु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जा रही है तो पहली कंडीशन में भी लाभ हो रहा है, यानी कि ए ने 20% के लाभ से बेची थी बी को। ठीक है, बी ने वही वस्तु 25% का लाभ कमाया और सी को उसने बेच दी। सी ने जब वो वस्तु खरीदी, मान लीजिए साइकिल का ही उदाहरण था, सी ने जब वो वस्तु खरीदी तो उसके लिए उसने पैसे दिए 225 रुपए। ठीक, ये तो सी तक की बात आ गई। प्रश्न में पूछा गया है कि जो ए है, ए ने वो साइकिल कितने में खरीदी थी, ये प्रश्न हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए जो ए ने ये साइकिल खरीदी थी तो कितने में खरीदी थी। देखिए दो तरीके से हल कर सकते हैं, पहले तो वही क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जो निकालना हो उससे हल कर लीजिए। हमारे पास अभी हमने कहा हम गणना वाले अंकों को खोज लेते हैं। मान लीजिए साइकिल ए ने जब खरीदी थी वो कितने में खरीदी थी, 100 रुपए में साइकिल खरीदी थी। ठीक है, जब उसको लाभ हुआ, लाभ पर बेची, कितने लाभ पर बेची, 20% के लाभ पर बेची, तो वस्तु का जो मूल्य हो गया वो कितना हो गया, 120 रुपया। ठीक है, वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 120 रुपया। अब बी ने वो वस्तु कितने प्रतिशत के लाभ पर बेची, बी ने बेची थी वो 25% के लाभ पर, तो वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 125 रुपया। 100 रुपए की वस्तु 25% के लाभ पर बेची गई तो 125 रुपया क्या हो गया, उसका मूल्य हो गया। यहाँ क्या हो गया कि मान लीजिए 100 रुपए में इसने खरीदा था, 120 में इसने बेचा, क्योंकि अब हम वो देख रहे हैं कि बी ने कितने में खरीदा था, बी ने जब उसे बेचा तो 25% का लाभ लिया तो उसने 125 रुपए में बेचा। अब सी ने जब उसे खरीदा तो उसने 225 रुपए दिए थे, लेकिन हमें क्या निकालना है कि ए ने वो वस्तु कितने में
खरीदी थी। अब क्या करेंगे, हमें टोटल सी का वैल्यू कितनी है, 225 रुपया है। हम क्या करेंगे, 225 रुपए तो वस्तु का मूल्य है, यानी कि जो अंतिम भुगतान किया गया। जब लाभ होगा तो हम भिन्न लिखेंगे ऐसे ही, 100 ऊपर और जो भी लाभ है उसको नीचे। तो कितना लाभ हुआ, 120। ठीक, 100 बट्टे क्या आ गया, 120। यहाँ भी लाभ हो रहा है, 100 बट्टे क्या आ गया, 125। जब आप इसको हल करेंगे तो सीधे सीधे लेते हैं आंसर, यहाँ पर सीधे सीधे हल करके कितना लाभ आ जाएगा, सुनो, सीधे सीधे हल करके कितना लाभ आ जाएगा, 150 रुपया। हल कर लीजिएगा, टाइम सेव करने के लिए डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर कितना लाभ हो जाएगा इसका, 150 रुपए, सॉरी, जो इसने बेचा खरीदा था वो कितने में खरीदा था, 150 रुपए में इसने खरीदा था। सरल सा तरीका है, सीधे 100 मान लीजिए, इकाई मान लीजिए, मतलब हम क्या कर लेंगे इसमें, अगर दूसरी भाषा में कहूँ तो हम गणना के लिए अंकों का अपने आप एक निर्धारण कर लेंगे, मतलब अपने आप कुछ नंबर बना लेंगे जिससे हमें जो कैलकुलेशन है वो करना इजी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, गणना के अंक मान लेते हैं। तो हमने गणना का अंक क्या माना था, 100 से माना था, 100 से माना था, तो 20% लाभ कहा था, तो इसलिए वो हमने 120 मान लिया। वो 25% लाभ था, वो 125 मान लिया। कुल कितना भुगतान किया गया था, 225 रुपया। तो हमने क्या किया, ये प्रतिशत निकालना था, तो 120 लाभ है इसलिए 100 ऊपर और ये नीचे आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 125। तो सीधे सीधे आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल आएगा। आप मेथड से करना चाहते हैं मेथड से करिए, लेकिन बार बार एक ही प्रयास हमारा है कि व्यवहारिक गणित का प्रयोग करने से क्या होगा, जो एग्जाम रूम में टाइम कंज्यूम होता है उस टाइम को सेव करना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर्स ज्यादा होते हैं और एक ही क्वेश्चन पे ज्यादा समय चला गया तो अगले क्वेश्चन के लिए कम समय बचता है। तो उस रणनीति के साथ कुछ सरल सी विधियां लेकर आए हैं। अगला एक प्रश्न देख लेते हैं फिर से, ये तो क्रय मूल्य किस तरीके से लाभ पर बेची गई वस्तु और दो बार लाभ पर बेची गई, तब हमें बताना है कि जब सी ने जिस राशि पर वो खरीदा था, ए ने उस राशि किस राशि पर उसको फर्स्ट टाइम खरीदा था। ठीक है, अब क्या होता है, अगला प्रश्न दूसरे तरीके का लेते हैं। मान लीजिए एक मशीन को 10% के एक मशीन को 10% के लाभ पर बेचा जाता है, मशीन को बेचा गया, शॉर्ट में ही लिख लेते हैं, मशीन को बेचा गया कितने पर, 10% के लाभ पर। ठीक है, कितने पर बेचा गया, 10% के लाभ पर। अब प्रश्न में दिया है यदि उसे 120 रुपए कम पर बेचा जाता तो 20% की हानि होती, यानी कि यदि 120 रुपए कम पर बेचा जाता तो कितनी हानि होती, हानि होती उसे 20% की। ठीक है, प्रश्न थोड़ा सा अलग है क्योंकि वहां दोनों जगह लाभ हो रहा था, यहाँ एक बार लाभ हो रहा है और एक बार क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है, दोनों तरीके का है, लाभ भी हो रहा है और हानि भी हो रही है। फिर लेकिन बताना क्या है हमें, मशीन का क्रय मूल्य, मतलब मशीन को कितने में खरीदा गया था, यानी एक मशीन जब खरीदी गई तो उसे कितने पर बेच दिया गया, 10% लाभ पर। उस 10% लाभ के बाद अगर 120 रुपए कम पर उसे बेचा जाता तो कितनी हानि होती, 20% की हानि होती। अब क्या करना है, हमें निकालना है कि वो जो मशीन थी उस मशीन का क्रय मूल्य कितना था। हमें हानि भी दी है और हमें क्या दिया हुआ है, लाभ भी दिया हुआ है। फिर से हम वही कर लेते हैं, मान लीजिए कि क्रय मूल्य कितना है, कोई वस्तु है, हाँ, जो उसका क्रय मूल्य निकाला जाएगा अगर आप विधि से करें तो मान लीजिए वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 100 रुपया हो गया, 10% का जो लाभ है तो उसमें कितना हो गया, 110 हो गया, 20% की हानि है तो वो कितना हो गया, 80 हो गया, क्योंकि 20% माइनस कर देंगे इसमें से, 100 में से 20% जो हो गया वो माइनस हो गया तो ये कितना हो गया, 80 हो गया। तो जब ये 80 हो गया उसके बाद हमारे पास टोटल डिफरेंस कितना आता है, 110 और 80, टोटल डिफरेंस कितना आता है हमारे पास, 30 का डिफरेंस आता है, यानी कि वस्तु के जो मूल्य में परिवर्तन हुआ वो कितना परिवर्तन हुआ, 30% का उसमें क्या होता है,
परिवर्तन होता है। ठीक है, जब ये 30% का परिवर्तन है, हमने इसको निकाल लिया, चलिए इसी से कर लेते हैं। देखिए 10% का लाभ है और 20% की हानि है। मान लिया हमने वस्तु कितने में खरीदी है, 100 में। 10% का लाभ हुआ तो वस्तु कितने में बेची गई, 110 में। अगर यहाँ पर हानि की बात करें तो कितने प्रतिशत की हानि की बात की गई है, 20% की। तो टोटल कितना डिफरेंस पे वस्तु को बेचा गया है, 30% के डिफरेंस पे बेचा गया है। ठीक है, जब 30% के डिफरेंस पर बेचा जाता है तो वस्तु का मूल्य कितना यहाँ पर कहा गया है कि वो वस्तु में कितनी जो हानि होती है वो कितनी होती है, 120 रुपए की। यानी कि 30% का जो वैल्यू है वो कितनी है, 120 रुपया। ये तो दिया है 120 रुपए कम मूल्य पर उसे 20% की हानि पर बेचा गया। तो हमने टोटल इनका डिफरेंस निकाल लिया कि रेट कितना फ्लक्चुएट हुआ। 100 से एक बार वो 110 हो गया, उसके बाद एक बार 80 हो गया, तो 110 में से 180 घटाया तो 30% का फ्लक्चुएशन हुआ। वो 30% फ्लक्चुएशन किसके बराबर हुआ, 120 रुपए के बराबर हुआ। वो 30% फ्लक्चुएशन हमने यहाँ लिख दिया कि 30% किसके बराबर है, यहाँ पर 120 रुपए के बराबर है। हमें निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, मीन्स 100% की वैल्यू निकालनी है जो हमने मानी है। हमें ये एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मानकर हल नहीं होगा, तो हमें इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये आप इधर ले आइए, ये क्या हो गया 120, ठीक है, बटे कितना हो गया 30, और गुणा यहाँ पर क्या हो गया 100। ठीक है, अब इसको हल किया, 120 टोटल यहाँ पर कितना आ गया, 100 × 4, यानी कि वो वस्तु का जो मूल्य आया वो कितना आया हमारा, 400 रुपया। ठीक है, अगर ये बात ऐसे समझना आई हो तो ऐसे देखिए, मान लीजिए ये एक वस्तु है, ठीक, ये क्या है, हमने मान लिया ये एक वस्तु है। दो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कंडीशन क्या हुई, दो हुई। पहला क्या हुआ, 10% का लाभ, यानी कि वस्तु क्या हो जाती है, ये जो एरिया बढ़ाया हमने ये कितना है, 10%, तो वस्तु क्या हो गई, 10% का इसको लाभ प्राप्त हुआ। फिर दूसरी बार क्या किया जाता है, 20% की हानि होती है। ठीक है, ये वाला क्या हो गया आपका, 20% की हानि। अब अगर सपोज मैं इसको यहाँ ले आऊ तो 30% कम हो गया, ये और यहाँ से यहाँ तक 30% कम हो गया। 30% कम होने का मतलब कितना बचा, यहाँ पर 70% ही तो बचा। हमें क्या करना है, ये जो हमने कहा कि जो 30% कम हुआ है ये कितना हुआ, 120 रुपया। हमने इसे 30% को मान लिया 120 रुपया, हमें रुपए का निकाल की वैल्यू करनी थी, तो हमने क्या किया, जो 120 रुपया है और जो परसेंट है वो यहाँ लिख दिया, और उसके बाद 100 से गुणा कर दिया, तो हमारा क्या आ जाएगा, जो मशीन का क्रय मूल्य था वो क्रय मूल्य हमें यहाँ पर निकला। ठीक है, अब एक और सवाल ले लेते हैं, थोड़ा सा अलग, फिर से अलग। बहुत सारे तरीके हैं दरअसल, जो शुरू में ही हमने कहे कि जब लाभ और हानि प्रतिशत हम हल करते हैं तो लगभग 7 प्रकार के उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। लाभ प्रतिशत क्या है, हानि प्रतिशत क्या है, कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई। ठीक है, अब एक प्रश्न ले लेते हैं अलग सा, एक और प्रश्न लेते हैं कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। वस्तु को बेचा गया, ठीक है, हानि पर, और हानि कितनी होती है, 20%। ठीक, एक वस्तु को बेचा गया कितनी हानि पर, यहां लिख देते हैं बेचा गया कितनी हानि पर, 20% की हानि पर वस्तु को बेचा गया, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है, यदि वो इसे 30% कम मूल्य पर प्राप्त करता तो उसे 45 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता और वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। मतलब दूसरी कंडीशन है कि यदि वो इसे 30% कम मूल्य पर प्राप्त करता, कितने पर, 30% कम मूल्य पर यदि वो प्राप्त करता, मूल्य पर यदि वो क्या करता, उसको प्राप्त करता। ठीक है, दूसरी कंडीशन दी है इसमें तो, और 45 रुपए अधिक में बेचता,
कितने में बेचता? 45 रुपए ज्यादा में बेचता, तो उसे कितना लाभ होता? लाभ दिया था 40%, तो उसे कितना लाभ होता? उसे 40% का लाभ होता। ठीक है, क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। फिर से समझ ले रहे हैं, समय बचाने के लिए संक्षिप्त लिख रहे हैं। देखिए, चार चीजें यहाँ पर सवाल में दी है। एक वस्तु को बेचा गया है लेकिन 20% की उसे क्या होती है? हानि होती है। यहाँ कंडीशन दी है, यदि 30% कम मूल्य पर वो उसे प्राप्त करता और 45% ज्यादा उसे, सॉरी 45 रुपए उसे ज्यादा प्राप्त होते और 40% का उसको क्या होता? लाभ होता। ठीक है, अब इसमें क्या है, 40 रुपए ज्यादा में उसको वो बेचता। ठीक है, मान लेते 45 रुपए के जो वो है उसमें क्या होता, 45 रुपए ज्यादा में अगर उसको बेचता, मीन्स मूल्य मान लीजिए 100 रुपए, यहीं से बेसिकली शुरू करते हैं। हानि होती है तो मूल्य कितना हो गया? 80 रुपए। लेकिन इसमें कहा कि अगर 30 रुपए कम मूल्य पर वो खरीदता और क्या करता, 45 रुपए उसका रेट बढ़ा देता, तो उसे कितना लाभ हो जाता? 40% का उसको लाभ हो जाता। अब समझ में आ गया क्या दिया है? अब हम क्या करते हैं, जब ये प्रश्न दिया कि वस्तु कितने में बेची गई, खरीदी गई, 30% कम मूल्य से का मतलब क्या हुआ? 30% कम मूल्य का मतलब क्या हुआ? मतलब 100 रुपए की वस्तु को का मूल्य कितना हो गया? 70 रुपया। हमने मान लिया जो टोटल रुपया कितना है, टोटल रुपया हमने कितना मान लिया? 100। हम कह रहे हैं 30 रुपए कम मूल्य पर यदि वो उसे खरीदता, 30% का मतलब क्या हो गया? 100 में से 30 रुपया, तो 100 में से हमने ये क्या कर दिया, 30 को माइनस कर दिया, तो एक इमेजिनरी नंबर आ गया कि 70 रुपए में वो वस्तु को क्या करता? खरीदता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि दूसरी कंडीशन दी है कि अगर 40% का लाभ उसे प्राप्त करना है, तो 40% का लाभ का क्या मतलब हुआ? 40% लाभ भी तो दिया है, 40% लाभ उसे प्राप्त करना है। ठीक है, तो 40% लाभ मतलब किस पे होगा? इसी पे तो होगा, क्योंकि उसने कहा 30% कम मूल्य पर खरीदा। अब हम मान ले रहे हैं कि उसने वस्तु कितने मूल्य पर खरीदी है? कम मूल्य पर खरीदी है, यानी कि वस्तु कितने रुपए में खरीदी है? 70 रुपए में खरीदी है। उस 70 रुपए में खरीदने पर उसे कितना हो रहा है? 40% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। जब उसे 40% का लाभ हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यानी कि 70 में तो वो खरीदी और 70 पर 40% का उसको लाभ। ठीक है, समझ में आ रहा है? 70 तो वस्तु का मूल्य हो ही गया, प्लस कितना हो गया जो उस मूल्य पर उसको लाभ हुआ है, तो 70 पर उसको कितना लाभ हुआ है? 40% का उसको लाभ हुआ है। इसको जब हल करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, यहाँ पर आएगा 98। ठीक है, एक बार हल कर लीजिएगा, डायरेक्ट हल करने पर आप देखिए 98। अब यहाँ पर क्या दिया है, क्रय मूल्य का हमें क्या निकालना है, टोटल कि जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का अब यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया था कि 45 रुपए में उसको अगर वो बेचता है, यही तो दिया था, 45 रुपए में बेचता है तो 40 रुपए का उसको क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या आ गया, जो 70% के उसको लाभ की राशि हमने निकाल ली, जो हमारी क्या आ रही है उसकी 98 रुपए, यानी कि 98% का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य क्या हो गया, मान लीजिए ये 98% का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य लेते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो इसका क्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का 80%, 20% का था ये, हानि 20% की हुई थी, तो 100 में से 20% की हानि, यानी कि वस्तु का मूल्य कितना हो गया था? 80। तो जो क्रय मूल्य है उसका कितना था? 20%। 20% की वैल्यू कितनी थी, टोटल कितना आ गया, सॉरी 80 है ना, तो ये टोटल कितना आ गया? 80%, यानी कि अब रेट कितने पे आ रहा है? 80 पे आ रहा है। कितने का लाभ उसे ज्यादा लेना है? 45 रुपए का उसको लाभ ज्यादा लेना है।
यानी कि वो 45 रूपए ज्यादा में यदि बेचता है तभी तो 40 रूपए का उसको लाभ हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, 80, कैसे आया 80, 100 रूपए की वस्तु मान ली, 20% की हानि हो रही थी, तो हमने समझ लिया कि वो वस्तु कितने रुपए में बेची गई, 80 रूपए में बेची गई। हमें क्रय मूल्य निकालना है, हमने 40% के लाभ के हिसाब से जो उसको यहाँ पर जो ये मूल्य कम मूल्य पे यदि वो खरीदता है, हमने मान लिया कि वो 70 रूपए पे खरीदता है, 40% का लाभ हमने 70 रूपए पे निकाल लिया तो कितना आ रहा है, 98 आ रहा है। 98 का क्रय मूल्य हमें निकालना है क्योंकि ये है, इसके हिसाब से ही तो क्रय मूल्य निकालना है। तो ये जो 80% है, यानी कि ये जो 80 है, 80 क्या हुआ, जिस मूल्य पर उसने वस्तु को बेचा था, प्लस 45 रूपया क्या हुआ, जो उससे कहा गया कि एक्स्ट्रा होना चाहिए था, ठीक है। तो अब क्या बचता है यहाँ पर, क्रय मूल्य जब इसको क्या नाम है ये हल किया जाएगा तो क्रय 90 इसको जब इधर करेंगे 45 इक्वल्स आ जाएगा, तो ये क्या आ गया 98 माइनस कितना आ गया 80, और ये यहाँ पर कितना रह गया 45, यहाँ कितना आ गया 18, ये नंबर कितना बचा हमारे पास 18, यानी कि जो 45 का जो लाभ हो रहा है वो लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है, 18% के बराबर है, ठीक है। 18% निकल गया, 18% के ये बराबर है, हमें निकालना था वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये इधर ले आइए, 18 बट्टे कितना हो गया 45, और ये गुणा क्या हो गया 100। 18 बट्टे 45 अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख दे रहे हैं, 18 बट्टे कितना हो गया जो रुपए है, और यहाँ क्या हो गया ये 100, ठीक है। अब इसको हल जब किया जाएगा, हल करने पर डायरेक्ट लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पर 250 रूपया यहाँ पर ये आएगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रश्न क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है क्योंकि वस्तु को बेचा भी गया है लेकिन हानि पे बेचा गया। हम यहीं पे इसे हल कर लेते, 100 रूपए की मान लीजिए वस्तु हो गई, हानि का मतलब 20 रूपए की 20% हानि दी है, तो 20 रूपए की उसको हानि होती है तो वस्तु को उसने कितने पर बेचा, 80 रूपए में बेचा, तो हमें ये राशि यहाँ पर प्राप्त हो गई, ये राशि प्राप्त हो गई, ठीक। अब क्या होता है, 30% कम मूल्य पर उसको, मतलब यदि वो उसे प्राप्त करता, एक कल्पना की गई है कि अगर वो उसे 30% कम मूल्य पर प्राप्त करता तो कितना प्राप्त करता, 100 में से 30% कम मूल्य मतलब 70 रूपए में प्राप्त करता। आ गया हमारे पास दो राशियां, ठीक। ये 70 रूपए में कम प्राप्त करता तो उसे कितना होता, 40% का लाभ होता। अभी उसमें 45 रूपए और एड करके तब 40 का लाभ होता, अभी हम 45 को हटा रहे हैं, हम पहले लाभ को निकाल रहे हैं कि 70 रूपए को उसे कितना लाभ होता। 70 रूपए पे 40% के हिसाब से कितना लाभ होता, 70 तो उसका मूल्य हो ही गया, और 70 रूपए का 40% तो कितना आ जाएगा, 70 + 70 × 40/100। जब इसे हल करेंगे तो रुपए हमें कितने प्राप्त हो गए, ये प्राप्त हो गए, ठीक है ना। 40% बाद के रुपए ये हो गए, लाभ जब मिला और वस्तु बेची वो ये रुपए हो गए। इसमें से इस रुपए को हमने घटा दिया, इसमें से इस रुपए को जब हमने घटाया तो हमारा ये किसके बराबर है, क्योंकि 45 रूपए ज्यादा देना है उसको, तो वो हमारा कितने प्रतिशत के बराबर है, 45 रूपए के बराबर है, ठीक है। अब इसको ही हल करना है, इसी को हल करना है, ये 98 में से 80 गया तो कितना बचा, 18%, 18% मूल्य किसके बराबर है, ये 45 रूपए के बराबर है, तो हम ये क्रय ये पूरा मूल्य निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, 18% बट्टे मूल्य और गुणा 100, तो टोटल यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 250 रूपया है। आप चाहे तो दूसरा, अगर जो जनरल मेथड है, थोड़ा लॉन्ग कैलकुलेशन है, टाइम्स जब ये प्रैक्टिस में हो जाएगा ना तो आपको इतना लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इमेजिनेशन चलेगा। 100 रूपए का हानि है तो मीन्स वस्तु का मूल्य डायरेक्ट हमने लिख दिया 80 रूपए, 40 रूपए का लाभ है मीन्स वस्तु का मूल्य डायरेक्ट लिख दिया हमने 140 रूपए, कितने का हमें निकालना है, 45 रूपए हमें दिए हुए हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका कैलकुलेशन आ जाएगा। तो फिलहाल आज के वीडियो में हम लाभ और हानि से संबंधित ये जो 3-4 प्रकार के अलग अलग प्रश्न देखे हैं उनको ही लेकर आए हैं, जल्दी इस श्रृंखला को पूरा करेंगे, मे बी आज ही कंप्लीट कर देंगे। वीडियो बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है
साधारण सी व्यवहारिक विधियों को इस्तेमाल किया है, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक विधियां समझ में नहीं आएंगी, तरीका समझ में नहीं आएगा। सिर्फ एक माध्यम है, एक हिंट है कि इन विधियों से प्रश्नों को हल किया जा सकता है। तो पूरी अपेक्षा है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। अच्छा लगेगा तो आप लाइक जरूर करिएगा, आप कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ऑर्डर नहीं है, एक अपेक्षा है आपसे, एक अनुरोध है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं इसका लाभ ले सके। सुझाव यदि है तो सुझाव दीजिएगा। आपका एक शेयर, आपका एक लाइक हमें बहुत सारा मोटिवेशन देता है, थोड़ा सा भी नहीं बहुत सारा देता है, और हम काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो ये हमें रुचि बनी रहे, जिज्ञासा बनी रहे, काम करने की क्षमता बनी रहे, अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचता रहे, तो इसलिए आप लगातार साथ बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।